हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी हडल यूट्यूब चैनल। तो आज अपन साइंस का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, एक ऐसी चीज़ जो टूट जाए दो या दो से ज़्यादा टुकड़ों में केमिकल रिएक्शंस के प्रभाव से हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके वो एलिमेंट कहलाता है। मतलब कि जैसे कि आयरन है, उसको अपन कितना भी काट लो, तोड़ लो, लेकिन वो आयरन के दो चीज़ से नहीं मिलके बना है, सिर्फ वो आयरन से ही मिल आयरन ही बना है। मतलब आयरन के पहले वो कुछ और नहीं था। हाँ, तो अब हर एक एलिमेंट होता है ना, उनको उनके पास हर एक चिन्ह होता है। चिन्ह मतलब उनका साइन। जैसे कि आयरन का होता है, सॉरी हाइड्रोजन का होता है H, मैग्नीशियम का होता है Mg, और आयरन का होता है Fe। ये ऊपर यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। और इसे बहुत सारे एक बड़ा सा चार्ट भी रहता है, उसको भी याद करना रहता है बड़ी क्लासेस में, हायर क्लासेस में। और इसमें से बहुत सारे ऐसे सिंबल होते हैं, उनमें से किसी के पास भी सेम सिंबल नहीं है। जैसे कि हाइड्रोजन का सिंबल में H रहता है, मैग्नीशियम के में Mg रहता है। हर एक से छोटा टुकड़ा उसे एटम कहते हैं। किसी भी एलिमेंट के सैंपल में सिर्फ एक एटम होता है। एटम मतलब कि उसके अंदर एक पॉइंट, मतलब एक इतना बड़ा आयरन का उसके अंदर का इतना छोटा सा पॉइंट रहता है, उसे कहते हैं एटम। बहुत सारे प्रकार के एलिमेंट के बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एटम होते हैं। अब उनमें से 92 एलिमेंट्स नेचर में मिलते हैं, और उसमें से मेटल और नॉन मेटल एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ बेसिस पर जितने भी, फॉर एग्जांपल जैसे कि Fe, आयरन का Fe सिंबल है, मैग्नीशियम का Mg, क्लोराइन का Cl, आयोडीन का I, गोल्ड का Au, Hg, मर्क्यूरी का, और सिलिकॉन का Si, Ag, सिल्वर का। तो दोस्तों अपन बढ़ थोड़े से आगे पीछे पेजेस है, थोड़ा सा आप कोऑपरेट कर लेना। वो मान नहीं, मैंने सीधा फ़ोन रख के खींचा था, लेकिन तब भी आड़ते होगा, आई डोंट नो। अब ऐसे बहुत आ गया है मेटल्स और नॉन मेटल्स पे। इनमें से जितनी भी मतलब मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपोजिट टू नॉन मेटल्स, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत, मतलब मेटल्स की अलग होगी प्रॉपर्टीज़ और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ बहुत अलग होगी। अब मैलिएबल्स का मीनिंग पढ़ते हैं अपन। ये मैलिएबल, यहाँ पर मैलिएबल का मतलब होता है कि जो मेटल को अपन ठोक ठोक के हैमर से ठोक कर अपन उसे पतला कर दे, एकदम पतली शीट्स में, थिन शीट्स में बदल दे, उसे कहते हैं मैलिएबल। हाँ, उसके बाद डक्टाइल मतलब ये होता है कि मेटल जो स्ट्रेच करो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करके वायर बने, उस प्रोसेस को या उस चीज़ को डक्टाइल कहते हैं। ब्रिटल का मतलब ये है जो मेटल हैमर से ठोकने पर टूट जाए, उसे ब्रिटल कहते हैं। मतलब अपन जैसे ऊपर अपन ने थिन शीट्स में बदले थे मैलिएबल में, लेकिन कभी कभी टूट भी जाएगा तो उसे ब्रिटल कहते हैं, पतले में बदलते बदलते। अब आते हैं अपन लस्ट्रस पे। लस्ट्रस मतलब ये होता है कि शाइनी थिंग, मतलब सबसे ज़्यादा चमकदार, ऐसा मेटल जो सबसे ज़्यादा चमकदार हो। मेटल मैलिएबल एंड डक्टाइल एलिमेंट क्योंकि वे गुड, और मेटल जो होते हैं वो मैलिएबल डक्टाइल एलिमेंट होते हैं क्योंकि वे हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि वह हीट और इलेक्ट्रिसिटी के एकदम गुड कंडक्टर होते हैं। अपन ने ऊपर बात की थी ये मैलिएबल, डक्टाइल, ब्रिटल, लस्ट्रस, ये सब। अपन ने ऊपर तो पढ़ लिया कि 92 प्रकार के होते हैं अपन को नेचर में मिलते हैं एलिमेंट्स। उनमें से 70 एलिमेंट पूरे 70 मेटल्स हैं। 70 एलिमेंट्स जितने भी हैं ना वो मेटल्स हैं। उन सब मेटल्स में से सिर्फ एक मर्क्यूरी को छोड़ के
बाकी सब एलिमेंट बाकी सब एलिमेंट क्या बोलते हैं सॉलिड फॉर्म में, सिर्फ मर्क्यूरी ही रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में लिक्विड स्टेट में होती है, लस्ट्रस मतलब चमकदार हो। नॉन मेटल मैलिएबल और डक्टाइल नहीं होते हैं, मेटल्स के जैसे नहीं होते, वो उनमें सिर्फ ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल अपन ने ऊपर ब्रिटल पढ़े थे वही। नॉन मेटल गर्मी या इलेक्ट्रिसिटी को नहीं पास होने देता, मतलब अपने पास नहीं रखता, बाहर कर देता है। नॉन मेटल लस्ट्रस और चमकदार नहीं होते लेकिन उनका अपीरेंस डल होता है, मतलब जो नॉन मेटल्स होते हैं वो चमकदार नहीं होते लेकिन उनका अपीरेंस डल होता है, वे आसानी से टूट भी जाते हैं काट कर, जैसे अपन आरी वारी से काट दें। और नॉन मेटल्स कोई भी फॉर्म में नहीं हो सकते, सॉलिड जैसे कि सॉलिड लिक्विड और एग्जांपल्स ऑफ अपन क्या बोलते हैं नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स बाद में पढ़ेंगे, अपन पहले मेटल्स के एग्जांपल पढ़ लेते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, निकल, कोबाल्ट, टिन, कैल्शियम, लीड, कैडमियम, मर्क्यूरी, ऐसे बहुत सारे होते हैं, यूरेनियम। अब अपन पढ़ते हैं एग्जांपल्स नॉन मेटल्स के, जैसे कि कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमाइड, हैलोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, और ऐसे कुछ और भी होते हैं। अब अपन आते हैं अगले पे, तो गाइस अपन इसके आगे बढ़ते हैं। अब आएगा अपना अगले नंबर पे आता है मेटालॉइड्स। तो अब ये मेटालॉइड्स एक प्रकार का ऐसा एलिमेंट है जिनकी प्रॉपर्टी ना ही मेटल्स से मैच होती है और ना ही नॉन मेटल्स से मैच होती है, और वो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी मतलब इतने अच्छे से नहीं लेकिन हल्की सी, जैसे कि पानी, जैसे पानी भी थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, ज़्यादा नहीं करता, वैसे ही मेटालॉइड्स भी वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं लेकिन नॉन मेटल्स के जैसे भी नहीं होते हैं। हाँ, इसको इंग्लिश में अपन मेटल्स आर सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं। और अपन पढ़ते हैं मेटालॉइड्स के एग्जांपल, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेलीरियम। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, आपको ये सब पीडीएफ हमारे चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर से कीजिए। आपको जो चीज़ समझ नहीं आएगी आई होगी तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर से करूँगा। अब अपन अगले वीडियो में अपन इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे, इसमें डक्टाइल, कंडक्टिविटी और इसमें लस्चर और स्ट्रेंथ, हार्डनेस, सोनोरसनेस, ये सब अपन को। और उसके बाद एक और है नहीं है, तो अपन यहाँ कहीं तक आसपास तक। बाय बाय, टाटा।